हैदराबाद के अफजलगंज पुलिस ने बीजेपी लीडर लड्डू यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरसर असदुद्दीन ओवैसी पर संगीन रिमार्क्स करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। यादव के खिलाफ अफजलगंज पुलिस स्टेशन में आईपीसी की दफ़ा 504, 188 और 341 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि लड्डू यादव ने 15 अगस्त को बेगम बाजार छतरी के भागीरथी पूजा स्टोर में बगैर इजाज़त के एक स्टेज बनाया था और पेशगी इजाज़त के बगैर तिरंगा रैली भी निकाली थी, जिससे ट्रैफिक में खलल पड़ा। पुलिस ने कहा कि उस वक्त रुकने पार्लियामेंट बैरसर असदुद्दीन ओवैसी उसी सड़क से गुजर रहे थे कि लड्डू यादव ने मुबैना तौर पर रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ रिमार्क्स किए। पर्सनल दुश्मनी निकल रहे हैं सर, मैं तो लास्ट टाइम भी रामनवमी को ऐसे ही दुख करे आए लड्डू भैया निकल दो ना।